हेलो डियर फ्रेंड्स एंड पेंशनर्स तो दोस्तों आपका स्वागत है बैंक स्ट्रीम में जो चैनल आप लोगों के लिए बैंक एंड पेंशन की अपडेट्स यहां पे डेली बेसिस के ऊपर दोस्तों लेके आता है सो so, दोस्तों यहां पे अभी जो देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज द मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम सिक्स टू एट टू ऑल द पेंशनर्स ऑफ दिस बैंक वो पर्टिकुलर बैंक है क्या एंड उसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फॉर ऑल रिस्पेक्टेड सीनियर पेंशनर्स उसकी फुल डिटेल्स है बैंक so पेंशनर्स ही है दोस्तों, so दोस्तों उससे पहले प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द लेटेस्ट बैंकिंग एंड पेंशन अपडेट्स एंड प्लीज शेयर द वीडियो अमंग अदर पेंशनर्स सो दोस्तों अभी जो वीडियो है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन सर्कुलर टू ऑल डिपार्टमेंट हेड ऑफिस इंश्योरेंसायर्ड इम्प्लॉयस एंड सरवाइविंग स्पाउसेज ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री सो वी टू डेबर सर्कुलर नंबर दिस तो यहाँ पे, so तो पे आप दोस्तों देख सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉयस वेयर इंटर इट Was communicated that reimbursement of amount uh, toward uh, medical insurance uh, premium to be legible Jo extra members and spouses of deceased extra staff will be as under. If your pension pay up up to rupees twenty five thousand, reimbursement amount is eight thousand. Pension pay from twenty five thousand one to forty thousand, reimbursement amount up to six thousand. If pension pay forty thousand one and above. The दोस्तों वो आपको सिक्स थाउजेंड यहाँ पे मिलने वाली है सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ पेंशन पे क्या क्या कॉम्पोनेट्स कंसिडर्ड आर बेसिक उसमें क्या है रिड्यूस्ड बेसिक पेंशन आफ्टर कम्युटेशन प्लस टी ए रिमबर्समेंट शेल बी दीमियम पेड और अमाउंट अब एवर इज लेस बी यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपको डायरेक्टली क्रेडिट कर दी जाएगी इन द इलिजिबल बेनिफिशियरी Who have opted for medical insurance under IBA medical insurance policy. So the eligible retirees who have taken medical insurance policy from any insurance company other than the insurance through IBA shall submit the application for 22, 23 through X employee module in HR Connect. So while submitting the application in X employee module in HR Connect, the eligible retirees, spouses, of the deceased employee shall ensure the following points. So आपको ये दो तीन पॉइंट्स का दोस्तों यहां पे ध्यान रखना है एक्स एम्प्लॉय और द द ऑफ डिसीज एक्स एम्प्लॉय शेल बी प्राइमरी होल्डर एंड प्रपोजर ऑफ द पॉलिसी एंड मेडिकल इंश्योरेंस इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिंबर्समेंट से रिएमेंट शेल बी मेड ओनली वंस फॉर अ पर्टिकुलर पॉलिसी रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ ऑफ द पॉलिसी थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉलिसी जो पीरियड रहेगा शुड बी after the end date of previous policy to avoid uh, overlapping in a uh, system and while submitting the application online the concerned ex-employee or the spouse of deceased ex-employee shall ensure that all the relevant uh, joby documents are uh, clearly aap logo, uploaded home and the relevant information that is policy number policy period policy premium amount uh, and name of the primary holder of the policy should be visible where primary holder and proposer of the policy should be The ex or of the ex उसके बाद उंट इन एच आर कनेक्ट द जॉब कार्ड फॉर क्लेमिंग रि एम्बर्समेंट ऑन द एक्स एम्प्लॉय पोर्टल फॉर दोड फॉर इंश्योरेंस अंडर आई बी एज इंक्लोज एज एक्चर ए फोर एनिक साहब आप जहाँ पे जो मैं आई डी है जो की है एस सी डब्ल्यूल डॉट एच ओ एट द रेट बैंक ऑफ डॉट कॉम तो वहां पे दोस्तों आप जाके इसे अगर आपकी कोई क्वायरी है तो वहां पे जा, दोस्तों जा सकते हैं द कॉपी ऑफ द सर्कुलर इज बिंग प्लेस इन एक्स एम्प्लॉय पेज ऑफ बैंक वेबसाइट तो आपको ये सर्कुलर जो एक्स एम्प्लॉय पेज है बैंक की वेबसाइट का वहाँ पे मिल सकता है फॉर रेडी रेफरेंस एंड एंड ऑफ ऑल

उस यूएल के बाद आपको आपका जो यूजर आई होगा वो mention करना है, कॉन्टिन्यू करना है की इन the उसके बाद आपको sign in करना है। जो डैशबोर्ड है शोन जो भी होगा आपको डिस्प्ले हो जाएगा तो वहां पे आपको स्टाफ वेलफेयर पे क्लिक करना है फिर मेडिकल सब्सिडी के ऊपर दोस्तों आपको वहां पे पहुंचना है सो क्लिक ऑन द मेडिकल सब्सिडी ऑन द मेन्यू पेनल एंड क्लिक ऑन एड अल्यू एंड सिलेक्ट दर फॉर द फ्रॉम द ड्रॉप डॉन एंड क्लिक ऑन एड उसके बाद आपको फिल अप पॉलिसी डिटेल्स आपको पॉलिसी की डिटेल्स अप करनी है फिल अप पॉलिसी डिटेल्स एज रिक्वायर्ड टू अपलोड दूमेंट फर्स्ट सिलेक्ट दाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट बींग अपलोडेड फ्रॉम दॉप मेन्यू क्लिक ऑन अपलोड टैब उसके बाद आपको जो भी बटन होगा उस पे सबमिट कर देना दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एग्जेक्ट फुल मेड्यूल है वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे दोस्तों शेयर कर दिया है बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और यहाँ पे आप लोगों को जो भी बैंक ऑफ बड़ोदा यहाँ पे ऑफर कर रहा है दोस्तों से लेके के, के अराउंड जो भी है वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे प्रॉपरली शेयर कर दिया एटलीस्ट सम बैंक्स आर कमिंग फॉरवर्ड टू रेस्क्यू दी पेंशनर्स एटलीस्ट दे आर रिमर्सिंग सम अमाउंट सो अदर बैंक का अभी मुझे कुछ अपडेट नहीं मिला है तो यहाँ पे अदर बैंक दोस्तों क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली वी कनाट सी दैट वहां पे अदर बैंक दोस्तों क्या करेंगे तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो हाल ही में ये नोटिफिकेशन आई है काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये दोस्तों बन जाती है और यहाँ पे अभी उम्मीद है भी जो अदर बैंक होंगे वो भी यहाँ पे डिसीजन दोस्तों अपना बना रहे होंगे रिगार्डिंग दी uh, अभी जो रिमबर्समेंट उन्होंने करनी है सो दिस वॉज द मेजर अपडेट एंड वेरी गुड अपडेट इन फेवर ऑफ द बैंक पेंशनर्स सो दोस्तों प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द अपडेट ंग अदर रिस्पेक्टेड सीनियर पेंशनर्स एंड प्लीज लाइक द वीडियो दोस्तों वीडियो को जरूर छोटा सा लाइक कर देना हमें बहुत बूस्टअप मिलता है छोटी छोटी बातों से सो दोस्तों प्लीज लाइक द वीडियो थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेयर टेल देन